तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये बीम पूरी डाउन हो चुकी है। बीम तभी डाउन होती है जब इसके सेटरिंग का पूरा लेवल हो जाता है। तो मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको बीम के सरिये में चेक करनी रहती है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरे चैनल को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जैसे दोस्तों ये बीम है, अब इस बीम में सबसे पहली बात ये है कि इसमें टॉप और बॉटम का स्टील चेक करिए कि टॉप और बॉटम में सरिया कौन सा है। जो भी टॉप और बॉटम का रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, थ्रू आउट लिखा हुआ रहता है ड्राइंग में, तो आपको भी थ्रू आउट दिखेगा, ठीक है दोस्तों। ये तो होती है पहली बात। दूसरी बात इसकी चेक करनी है कि इसमें एक्स्ट्रा सरिया कितना है, 3 है, 4 है उनकी। तीसरी चीज़ ये चेक करिए कि इसमें रिंग का सेंटर क्या है, मतलब कितने mm की रिंग है। जैसे ये जो रिंग है ये कितने mm की है, और उसके बाद में जो इसका सेंटर है, इसमें L/4 के हिसाब से चलता है जो भी गला होता है। मान के चलिए 4 मीटर का अगर लेंथ है तो 1 मीटर वहाँ से और 1 मीटर यहाँ से, तो 1 मीटर उधर से 1 मीटर इससे 100 सेंटर आता है, और बीच में बचा 2 मीटर पे अलग सेंटर होता है, ठीक है दोस्तों। 3 बात हो गई। चौथी बात आप ये चेक करिए दोस्तों कि इसमें जो बीम का एल का सरिया मुड़ता है उसकी बांदी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, और उसकी जो लेंथ है वो 1 फिट की होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। पांचवी चीज़ ये चेक करिए दोस्तों कि जब भी कॉलम और रिंग फंसती है, कॉलम और रिंग जब भी बीच में आती है, तो उसके अंदर बीम का सरिया या कॉलम का सरिया जो रिंग है वो रिंग डली हुई है कि नहीं डली हुई है। मतलब एक रिंग डली हुई जरूर होनी चाहिए, या तो बीम की डली हुई होनी चाहिए या कॉलम की डली हुई होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से आप छठी बात ये चेक करिए, जब भी बीम में एक्स्ट्रा सरिया जो भी डाला जाता है वो कम से कम 2 इंची नीचे होना चाहिए। ये जो सरिया है ये कम से कम 2 इंची नीचे होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सातवीं बात आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी रिंग होती है उस रिंग में उसकी कम से कम 10D के हिसाब से उसकी कुंडी मुड़ी भी होनी चाहिए। अगर 8 mm का सरिया है तो 80 mm उसकी लेंथ होनी चाहिए और 135° पर बेंड होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आठवीं बात आप ये चेक करिए कि जब भी सरिये के अंदर ओवरलैप आता है तो इसमें जो ओवरलैप होता है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, जिस तरीके से दिखा रहा है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो नवी बात आप ये चेक करिए कि जो भी आपकी मेन बीम जाती है, मान के चलिए अगर ये मेन बीम है तो इस मेन बीम के ऊपर ये जो प्राइमरी बीम है ये रेस्ट करनी चाहिए, मतलब हमेशा मेन बीम पर प्राइमरी बीम रेस्ट करती है। तो नवी बात का आप इस तरीके से पूरी तरीके से जब भी आप छत का सरिया बनवाएं तो इस तरीके से ध्यान रखिए। लास्ट जो 10वीं बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को लगती है कि नॉर्मल है बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करती है कि जिस भी सरिये की आप बांदी, जिस भी सरिये से सरिया टच होता है उसकी बांदी प्रॉपर लगवाएं। इस तरीके से दिखा रहा है, इस तरीके से बांदी लगवाएं और बांदी कैंची बांदी होनी चाहिए। तो आप इन 10 बातों का पूरी तरीके से ध्यान रखिए दोस्तों जब भी आप सरिया बनवाते हो, क्योंकि मकान में छत आपकी है, ठेकेदार की नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, आगे जाके आपको समस्या से जूझना ना पड़े। उसी चीज़ के लिए आप पहले ही सतर्क रहिए और सावधान रहिए दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।